Hello dear students, in this video we are starting chapter number 4, Polly Helps a Friend. Before reading the chapter, let's go through new words which is given on page number 32. Trotted, T-R-O-T-T-E-D, trotted, walked a little fast. Jaunt, short journey for pleasure. Plopped down, falling down with a sound. Whisking, sweeping, here sliding down. Daydream, to dream with open eyes. Whimpered, cried with low broken sounds. Startled, alarmed, moved suddenly. Scribbled, wrote hurriedly. So these were the new words which are given on page number 32. Now let's start reading. Insight. How do you feel when you help your friends? How do you feel, happy or satisfied or both? आपको कैसा लगता है जब आप अपने दोस्तों की मदद करते हो? क्या आपको खुशी होती है या फिर आप संतुष्ट होते हो अपने दोस्तों की मदद करके, या फिर दोनों होता है, खुशी भी होती है और संतुष्ट भी होते हो? Let us find out how little Polly felt when she helped her friend. देखते हैं ये छोटी जो बच्ची है जिसका नाम पॉली है, वो उसने क्या महसूस किया जब उसने हेल्प किया अपने फ्रेंड को। रीड। पॉली ट्रॉटेड हर बाइसिकल स्विफ्टली एज मदर ट्रॉटेड अलोंग साइड विथ हर। ट्रॉटेड का वी हैव ऑलरेडी रेड द मीनिंग, वॉक्ड फास्टली है ना, जल्दी जल्दी चलने। मदर हैड टू हरी अप कीप अप विथ पॉली। पॉली जो है वो अपनी बाइसिकल जो है वो बहुत तेज़ तेज़ चला रही थी और उसकी मदर को जो है उसके साथ में चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो वो और तेज चलने लगी। दे वर ऑन देयर वे टू द पार्क फॉर देयर वीकली आउटिंग। और वो हमेशा वीकली आउटिंग पे कहाँ पे जाते थे? पार्क में जाते थे, जहाँ पे पॉली साइकिल राइड करती थी और बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ करती थी, और उसकी मदर जो है वो अलग एक्टिविटीज़ करती थी। पॉलीज़ बिग ब्लू बैग विथ पिंक पॉकेट्स वॉज स्लंग ओवर मदर्स शोल्डर। पॉली का जो ब्लू बैग था जिसमें पिंक पॉकेट थी, वो टंगा हुआ था मदर के शोल्डर पर। इट हेल्ड मैनी ऑफ पॉलीज फेवरेट थिंग्स दैट शी यूज टू क्रिएट वंडरफुल पिक्चर्स दैट मदर वुड फास्टन टू देयर रेफ्रिजरेटर डोर फॉर एवरी वन टू सी। पॉली के इसके साथ में, पॉली के पास में जो उसकी मदर लगाती थी कहाँ पर, उनके रेफ्रिजरेटर के डोर पर, जो जिससे पॉली जो है बहुत सारी वंडरफुल पिक्चर्स बनाती थी और रेफ्रिजरेटर के डोर पर उसकी मम्मी लगाती थी ताकि दूसरे लोग उसको देख सके पॉली की क्रिएटिविटी को। वंडरफुल थिंग्स वर पार्ट ऑफ दिस ट्रिप्स। बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें थी इस ट्रिप की, जो वीकली आउटिंग जो था उसकी इसके साथ में रहती थी। वंडरफुल सनशाइन, वंडरफुल ब्रीजेस मतलब ठंडी हवाएं, वंडरफुल कलर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द बिग वंडरफुल सिल्वर स्लाइड। स्लाइड मीन्स फिसल पट्टी, जो सिल्वर कलर की थी वो फिसल पट्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी पॉली के लिए। पॉली वॉज एज हैप्पी एज शी कुड बी टूडे। द पिंक रिबन फ्रॉम हर ब्रेड्स फ्लू इन द ब्रीज बिहाइंड हर। पॉली हमेशा की तरह, हर ट्रिप की तरह, हर वीकली आउटिंग्स की तरह आज भी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, और उसका जो पिंक रिबन था वो अपने उसके सर पर उड़ रहा था क्योंकि ठंडी हवा बह रही थी। टुडे पॉली फेल्ट वेरी स्पेशल बिकॉज मदर हैड लेट हर वियर हर न्यू शॉर्ट आउटफिट विद द ब्लू एंड पिंक फ्लावर्स। पॉली आज बहुत खुश थी क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल था उसके लिए, क्योंकि उसकी मदर ने उसको उसका जो शॉर्ट आउटफिट था वो पहनने के लिए दिया, जो ब्लू कलर वो विद पिंक फ्लावर्स के साथ था। पॉली प्रॉमिस टू बी केयरफुल एंड नॉट टू स्पॉइल इट। पॉली ने अपनी मम्मी को वादा किया था कि वो उसे स्पॉइल नहीं करेगी, ख़राब नहीं करेगी, और बहुत सावधानी पूर्वक उसका ध्यान रखेगी। नाउ पेज नंबर 30। पॉली लव्ड मदर एंड ऑलवेज ट्राइड टू मेक हर प्राउड। शी वॉन्टेड टू बी जस्ट लाइक हर मदर व्हेन शी ग्रीव अप।
बींग आउटसाइड टूडे वॉज लाइक बींग इन अ ब्यूटिफुल ड्रीम ऑफ मेनी कलर्स. द विंडी सनशाइन वॉज द येलोइस्ट ऑफ येलोज. इट फ्लडेड पॉली स्माइलिंग ब्लू आईज एंड पिंक फेस एज शी लुकड एट एवरीथिंग देर वॉज टू सी. पॉली अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो जब बड़ी हो तो उन्हीं के जैसा बनना चाहती थी, और इसी तरीके से वो पूरी तरीके से मम्मी को फॉलो करना चाहती थी. बींग आउटसाइड विथ हर, जब भी उनके साथ में बाहर रहती थी तो उसको बहुत खुशी का एहसास होता था. अपनी मम्मी के साथ में जब भी रहती थी आउटिंग पे, वीकली आउटिंग पर वो पार्क वगैरह में जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी लाइक हर मदर. वो अपनी मम्मी के जैसा बनना चाहती थी. एवरीथिंग वॉज वंडरफुल, इवन द बर्ड साउंडेड चीयरियर देन एवर. हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ें बहुत वंडरफुल थी, क्योंकि जो बर्ड्स थे वो और बढ़िया तरीके से चहचहा रहे थे हमेशा की तरह. दे विसल्ड फ्रॉम द नियर बाई ट्रीज, और वो विसलिंग कर रहे थे पास की ट्रीज से. पॉलीज बाइसिकल बेयरली स्टॉप्ड एज शी जम्प्ड ऑफ. दे हैड अराइव्ड एट द स्पेशल प्लेस इन द पार्क. वो उनके स्पेशल प्लेस पर आ गए जहाँ पर वो हमेशा जाकर के बैठते थे. वेयर द जायंट सिल्वर स्लाइड, जायंट सिल्वर स्लाइड मतलब जो सिल्वर स्लाइड थी, फिसल पट्टी थी सिल्वर कलर की, वो बहुत बड़ी थी. पॉली लव्ड द स्लाइड्स. शी गॉट ए शिवरी जॉय ईच टाइम शी स्लिप अलोंग इट लॉन्ग स्लेंडर बैक. शी रैन ओवर टू द स्लाइड. स्लो डाउन पॉली, शाउटेड मदर स्माइलिंग एट हर यंगर डॉटर. पॉली जो है जैसे ही सिल्वर स्लाइड के पास वो पहुंची तो वो जा कर के सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर पहुंची और जा कर के बैठी वहाँ पर, और उसकी मम्मी ने वहाँ से चिल्लाया कि भाई यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल स्लाइडिंग. बारबरा, पॉलीज मदर इंजॉयड दिस आउटिंग एज मच एज पॉली. बारबरा जो थी, द नेम ऑफ द मदर ऑफ पॉली इज बारबरा. बारबरा जो थी पॉली की मम्मी थी, वो भी बहुत इंजॉय करती थी ये आउटिंग्स को पॉली के साथ में. शी लव्ड टू जस्ट रिलैक्स एंड टॉक विद अदर विमन. दिस इज विमन, WMEN विमन. शी कुड मीट देयर. वो बहुत खुश होती थी और रिलैक्स होती थी, बिकॉज जब आउटिंग पर जाते हैं वो स्पेशली पार्क वगैरह में तो रिलैक्स होने के लिए जाते हैं. वो जाकर दूसरी महिलाओं से, विमन से बात करती थी, मिलती थी. दे वुड एक्सचेंज स्टोरीज अबाउट देयर चिल्ड्रन, और अपनी कहानियाँ बताते थे कि भाई उनके बच्चों ने नया क्या किया इस हफ्ते. वेन शी फेल्ट लाइक इट, बारबरा टग्ड हर निटिंग और एन इंटरेस्टिंग नॉवल इन टू पॉलीज बैग. जब ये बात करते थे तो, या तो फिर बारबरा जो थी पॉली की मम्मी, वो अपना स्वेटर बुनने का सामान वगैरह वो साथ में ले जाती थी, वो या फिर कोई इंटरेस्टिंग नॉवल बैठ कर वहाँ पर पढ़ती थी. शी फेल्ट ए लिटिल टायर्ड फ्रॉम द ब्रिस्क जॉन्ट and plopped down at the nearest picnic table. Soon Carol, one of her friends, wandered over to her. She felt a little tired. वो जब बहुत ज़्यादा थक जाती थी, क्योंकि पॉली जो है बहुत ज़्यादा स्विफ्टली फास्टली जो अपनी साइकिल को चलाती थी, और वो जल्दी जा कर के बैठना चाहती थी किसी भी पिकनिक टेबल के ऊपर, क्योंकि वो थक जाती थी पॉली के साथ चल करके. Soon Carol, कैरोल सी कैपिटल ये किसी का नाम है, वन ऑफ हर फ्रेंड्स वंडर्ड ओवर टू हर. कैरोल जो है वो उनकी किसी दोस्त में से एक थी, वो घूमती हुई वहाँ पर आई उनके पास, बारबरा के पास. पॉली वॉच्ड हर मदर एंड द अदर विमन. पॉली लाइक्ड इट व्हेन हर मदर चैटेड विद अदर विमन, इट गेव हर एक्स्ट्रा लॉन्ग प्ले टाइम. पॉली जो देखती थी अपनी मम्मी को कि वो दूसरी महिलाओं से बात कर रही है, पॉली को बहुत पसंद था ये कि उसकी मम्मी जो है अपनी फ्रेंड से बात करती हो, क्योंकि वो उसको जब उसकी मम्मी उसके फ्रेंड से बात करती थी तो वो इट गेव हर एक्स्ट्रा लॉन्ग प्ले टाइम, उससे थोड़ा लंबा समय मिल जाता था उसको अपने खेल के लिए. द स्लाइड वॉज कोल्ड टूडे बट दिस डिड नॉट स्टॉप पॉली फ्रॉम विस्किंग डाउन इट बेयर बैक. आज जो सिल्वर स्लाइड थी वो थोड़ी सी ठंडी थी,
और ये इसने भी रोका नहीं पॉली को उस पर फिसलने से। तो कोल्ड मेटल सेंट शिवर्स ऑफ फन थ्रू हर, जो कोल्ड मेटल था, जो ठंडा मेटल था, उसने बिल्कुल शिवरिंग आ गई, शिवरिंग आ गई, जो दूजनी जिसको बोलते हैं, ऑफ फन थ्रू हर। फास्टर एंड फास्टर शी स्लिड स्लाइड ईच टाइम शी क्लाइम द एंडलेस स्टेप्स। वो बार बार स्टेप्स पे चढ़ करके बार बार उसका जो फ्रंट प्ले टाइम था स्लाइडिंग का, वो करते जा रही थी। अप शी वेंट ईगर टू स्वूश अलॉन्ग द कोल्ड सिल्वर स्लाइड। पॉली लव टू डे ड्रीम वाइल शी रोड ऑन ए स्लाइड। पॉली के लिए एक सपने जैसा, दिन में सपने जैसा देखना होता था कि जब वो सिल्वर स्लाइड पे वो फिसल रही होती है, होती थी। शी वुड क्लोज हर आइज एंड थिंक ऑफ हर सेल्फ एज ए लवली प्रिंसेस ऑन ए वाइट हॉर्स समडे। वो अपनी आंखें बंद करती थी और उसे ऐसा लगता था कि वो एक सफेद घोड़े पर बैठ कर के राजकुमारी की तरह कहीं घूम रही हो। शी वुड प्रिटेंड दैट शी वॉज आइदर अ लॉस्ट पपी और ए लॉस्ट किटन लुकिंग फॉर इट्स मदर। शी वुड प्रिटेंड, वो ऐसा महसूस करती करवाती थी दैट शी वॉज आइदर ए लॉस्ट पपी, या कोई घूमा हुआ खोया हुआ पपी हो, या फिर कोई किटन हो, बिल्ली का बच्चा, लुकिंग फॉर इट्स मदर, जो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा हो। शी वुड क्रॉल अराउंड वाइल शी मियोड और विम्पर्ड सैडली। वो अलग अलग तरीके से क्रॉल करती थी और अलग अलग तरीके से साउंड बनाती थी। पॉली हैड हर्ड हर मदर से दैट शी हैड ए गुड इमेजिनेशन। पॉली ने अपनी मम्मी से हर पॉली हैड हर्ड हर मदर से पॉली ने अपनी मम्मी से सुना हुआ था दैट शी हैड ए गुड इमेजिनेशन, कि पॉली की जो इमेजिनेशन है, सोचने समझने की जो क्षमता है, इमेजिनेशन, वो बहुत बढ़िया है। पॉली कंटिन्यूड हर ट्रिप्स अप एंड डाउन द स्टेयर्स एंड स्लाइड और ओ ऑन वॉट वॉज मे बी हर 12th ट्रिप। अ स्ट्रेंज साउंड शॉट इन टू द एयर, इट वॉज वेरी पेनफुल ग्रोन। वॉट्स दैट शी आज जम्पिंग ऑन एट द एंड ऑफ द स्लाइड। पॉली ने अचानक से एक ऐसी आवाज़ सुनी, एक दर्द वाली आवाज़ सुनी, और उसने बोला कि व्हाट्स दैट, ये क्या है। शी आज जंपिंग एट द एंड ऑफ द स्लाइड, और उसने स्लाइड से कूद कर पूछा। ओ थैंक यू केम द आंसर ओवर हर शोल्डर। हु सेड दिस, पॉली आज्ड अगेन। आई डिड, पॉली लुक्ड राउंड एंड राउंड, टू वेरी वेरी सैड आईज स्टेयर्ड बैक एट हर। थैंक यू फॉर गेटिंग ऑफ, सेड ए जाइंट माउथ जस्ट बिलो द टीयरी आईज। पॉली ने जब ये देखा कि भाई ये किसी ने बहुत दर्द वाली आवाज़ लगाई हो, और फिर वो नीचे कूद करके स्लाइड से नीचे उतरी और उसने देखा कि ये किसने कहा, तो पीछे से आवाज़ आई स्लाइड के पास से, आई डिड, ये मैंने किया। और पॉली लुक्ड राउंड एंड राउंड, पॉली ने इधर उधर देखती रही, पर उसको टू वेरी वेरी सैड आईज, जो बहुत दो आंखें जो बहुत दुखी महसूस हो रही थी, वो उसके पीछे थी, वो देख रही थी। उसने कहा कि अच्छा हुआ आप स्लाइड, मतलब मेरे ऊपर से नीचे उतर गए। सेड अ जायंट माउथ जस्ट बिलो हर द टीयर इज आईज। माई बैक एक्स एक्स रियली बैड टूडे, आज मेरी पीठ जो है बहुत ज़्यादा दुख रही है। किसने कहा, सिल्वर स्लाइड ने, राइट। पॉली रब्ड हर आईज, पॉली ने अपनी आंखों को रबिंग की अपनी आंखों पर। शी गुड नॉट बिलीव, उसने बिलीव नहीं करा कि ये स्लाइड जो है वो भी बात कर सकती है क्या, जो फिसल पट्टी है वो भी बात कर सकती है क्या। वॉज दिस रियली हैपनिंग, क्या ये सच में हो रहा है। अ टॉकिंग स्लाइड, पॉली विस्पर्ड, शी सेड डिड यू स्पीक टू मी। क्या बात है, फिसल पट्टी बात कर रही है, पॉली ने ये धीरे से कहा। वो पॉली ने उससे पूछा, डिड यू स्पीक टू मी, क्या आप मेरे से बात कर रहे हो। वाई, यस आई डिड, एंसर्ड द सिल्वर स्लाइड। सिल्वर स्लाइड ने आंसर दिया कि हाँ, क्यों, मैंने ही किया ये। आई एम सॉरी आई स्टार्टल्ड यू बट आई कांट टेक इट एनी मोर। ईच एंड एवरी डे चिल्ड्रन जंप ऑन मी एंड रेस डाउन माई बैक। आई वॉज फाइन वेन आई वॉज यंग बट आई हैव ग्रोन ओल्ड एंड वियरी। आई लव चिल्ड्रन स्पेशली यू पॉली, बट आई शडर
वेयर दे डिग देयर फीट इन टू माई बैग. कैन यू हेल्प मी पॉली, क्राइड द स्लिट स्टील स्लाइड. इफ दिस कीप्स अप आई विल हैव टू बी टर्न इन टू ए पाइल ऑफ स्टील एंड थ्रोन इन टू द जंक हीप. आई नो ऑल आई नीड इज लिटिल रेस्ट विथ टाइम एंड आई विल बी ओके. द पार्क इज पुटिंग इन अ न्यू स्लाइड सून. गेस अंटिल देन आई विल हैव टू ब्रेव. ऐसा सिल्वर स्लाइड ने कहा कि आप लोग जो बच्चे हो वो रोज रोज जा कर के मेरे ऊपर चढ़ते हो और उसके बाद में स्लाइडिंग वगैरह करते हो, तो इससे मेरी बैक वगैरह भी दुखती है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जब आप लोग कूदते हो मेरे ऊपर, है ना. तो अब मैं थोड़ा ओल्ड हो चुका हूँ, स्लाइड जो है ओल्ड हो चुकी है और ऐसा वैसा उसके साथ बहुत सारी दिक्कत होने लगी है. और अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो क्या होगा कि फिर उसको सिल्वर स्लाइड को कहाँ पे फेंक दिया जाएगा, हीप में. कौन सी हीप में? जहाँ पे बहुत सारा अटाला पड़ा हो वहाँ पर फेंक दिया जाएगा और एक उसकी जगह पर एक नई स्लाइड लानी पड़ेगी. तो इससे पहले कि ये इस तरह की चीज़ें हों उसको थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा, उसको थोड़ा है ना ब्रेव होना पड़ेगा. पॉली स्टेप बैक एज शी वॉज पजल्ड. पॉली जो थी उसने कदम पीछे करे क्योंकि वो थोड़ी सी पजल्ड थी, मतलब परेशान थी कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग. इट टुक हर लॉन्ग टू अंडरस्टैंड. आई एम सो सॉरी यू आर फीलिंग द पेन. द स्लाइड हर्ट पॉलीज स्मॉल वॉइस स्पीक. अ टाइनी हैंड जेंटली पैटेड द एकिंग स्लाइड. देयर मस्ट बी समथिंग आई कैन डू, पॉली थॉट. शी वॉन्टेड टू टेक हेल्प ऑफ हर मदर बट मदर वॉन्ट बिलीव हर. अ स्पीकिंग स्लाइड, हु वुड बिलीव हर. पॉली ने जब देखा कि पीछे पाँव कर लिया और उसने देखा कि भाई उसने बोला कि आई एम वेरी सॉरी, जिस मेरी वजह से आपको जो आपकी बैक में दर्द हो रहा है, और उसने जो जहाँ पर उसको दर्द हो रहा था स्लाइड को वहाँ पर थोड़ा सा पैटिंग वगैरह करी, पैटेट करा. और उसने जब सोचा कि भाई अगर मैं मेरी मम्मी को बताऊँगी कि भाई सिल्वर स्लाइड ने जो है मुझसे बात करी, बट मदर वॉन्ट बिलीव हर, मदर उसका भरोसा नहीं करेगी, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगी. स्पीकिंग स्लाइड, कोई स्लाइड भी कभी बात करती है, कोई बिलीव करेगा इस तरह की चीज़ें. एज शी टर्न टू द स्लाइड पॉली सॉ टू वर्कमैन पेंटिंग वन ऑफ द पार्क्स बेंचेस. पॉली सॉ द ग्रीन पेंट गो ऑन द आर्म एंड कवर द वुड. पीपल विल हैव टू वेट फॉर ए कपल ऑफ डेज टू सिट ऑन इट. पॉली जैसे ही देखा कि भाई दो लोग हैं जो पेंटर है, वो पेंटिंग कर रहे हैं पार्क की कुछ बेंचेस पे और वो ग्रीन पेंट कर रहे हैं. पीपल विल हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ डेज. लोगों को कुछ दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो थोड़ा वेट करें जब तक वो पेंट वगैरह सूख जाए, उसके बाद में वो आकर वहाँ पर बैठ सकते हैं. सडनली हर फेस लिट अप. शी रेज्ड टू हर बाइसिकल. आई गॉट इट, शी येल्ड. शी ग्रैब्ड हर ब्लू बैग एंड शिफ्टेड थ्रू इट. अचानक से उसके चेहरे पर चमक आ गई और वो अपने बाइक पर बैठ करके, अपनी जो राइड बाइसिकल थी उस पर बैठ करके गई और चिल्लाई, अपना ब्लू बैग लिया. पॉली पुल्ड आउट ए बिग फैट रेड क्रेयॉन. शी देन स्नैच्ड अप ए येल्लो शीट ऑफ ड्राइंग पेपर. शी नेल्ट एंड स्क्रिबल्ड समथिंग ऑन द पेपर. शी देन पुल्ड आउट अ टेप फ्रॉम हर बैग एंड देन शी टग्ड एंड टैप्ड एंड फिनिश्ड. पॉली ने अपने बैग में से एक रेड कलर का बिग फैट क्रेयॉन निकाला और उसने एक येल्लो शीट निकाली, ड्राइंग शीट, उसके ऊपर कुछ लिखा और फिर उसने चिपकाने वाला टेप निकाला अपने बैग में से और फिर उसने वो स्लाइड के ऊपर कुछ लिख करके वहाँ पर लगा दिया और उसका काम हो चुका था. पेज नंबर 32. देयर शी सेड एज शी स्टेप बैक टू हर वर्क. Not too bad. This will work. Polly felt warm and good inside, like she felt when her mother hugged her. Polly ने अपना काम खत्म कर करके और वो फिर वापस से अपने काम में लग गई, दूसरे काम में जो वो करती थी वहाँ पर, और उसको थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ कि that whatever she did, जो भी उसने किया है इस सिल्वर स्लाइड के लिए, जो थोड़ी सी परेशान है, एकिंग है,
जो दर्द में है ना, उसके लिए उसका काम हो चुका है। सून मदर एंड डॉटर लेफ्ट द पार्क, और जल्दी ही मम्मी और उनकी बेटी पुत्री ने पार्क से निकल गए। वो दे पास द बेंच वेयर ए मदर सैट होल्डिंग हर यंग सन, और उन्होंने एक बेंच के पास से पास हुए, मतलब वहाँ से निकले गुजरे, और उन्होंने देखा कि एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ में बैठा हुआ था। द लिटिल बॉय सीम्ड वेरी सैड, जो छोटा बच्चा था बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। ही आस्ड हिज मदर, बट मम्मी व्हाई कांट आई गो ऑन द स्लाइड, मम्मी मैं स्लाइड पर, मैं थोड़ा दुखी था वो कि मैं स्लाइड पर क्यों नहीं जा सकता हूँ। पॉली हर्ड हिज मदर्स आंसर, पॉली ने सुना उसकी मम्मी ने उस क्या जवाब दिया उस छोटे बच्चे को। यू मस्ट स्टे ऑफ द स्लाइड फॉर ए फ्यू डेज हनी, पॉली ने सुना कि भाई उसकी मम्मी ने कहा कि भाई आपको थोड़े दिन स्लाइड से जो है ये सिल्वर स्लाइड से दूर रहना पड़ेगा। द साइन सेज वेट पेंट, क्योंकि उसके ऊपर लिखा था वेट पेंट, गीला पेंट है, मतलब अगर कोई भी इसके ऊपर स्लाइडिंग करेगा तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे, हाथ पैर खराब हो जाएंगे, हाथ पैर पे पेंट वगैरह लग जाएगा, है ना। द साइन सेज वेट पेंट। पॉली स्माइल्ड हर बिगेस्ट स्माइल एंड हग्ड मदर टाइटली, पॉली वॉज वेरी कंफर्टेबल वेरी हैप्पी बिकॉज, क्योंकि उसने उसका जो लक्ष्य था कि भाई जो सिल्वर स्लाइड है उसकी फेवरेट थी, वो इतना ज़्यादा उसको प्यार करती थी, हर वीकली आउटिंग्स पे उसके पास में आना पसंद करती थी, और उसको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान आता था उसके ऊपर, वो अपने आप को प्रिंसेस समझती थी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें समझती थी। तो इससे पॉली को बहुत खुशी हुई और उसने बहुत बड़ी स्माइल दी, बहुत बड़ी स्माइल दे करके उसने मम्मी को अपनी मम्मी से के पास में जा करके उनको हग किया। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। यू हैव इन होमवर्क, यू हैव टू राइट न्यू वर्ड इन योर फेयर कॉपी, आई एम राइटिंग योर कॉपी वर्क, यू हैव टू राइट इन फेयर कॉपी ऑल। दोज हु हैव नॉट अपियर्ड इन टेस्ट नंबर 1, 2, 3 विल अपियर सून इन द टेस्ट, राइट। टिल देन हैव ए नाइस डे।